प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। सर क्या कहिए, कल बकरीद है, क्या सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल बकरीद है, ईद उल जुहा है, त्यागने का दिन है, मोह माया से निकल के त्यागने का दिन है। खुदा के नाम पे अपने वालों को भी शहीद करने का काम जब कोई करता है तो अपने वालों पे कितना भरोसा रखता है वो उसमें दिखाई देता है। ये बहुत बहुत बड़ा दिन है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए। ये सिर्फ इस्लाम धर्मियों के लिए नहीं है, इस्लाम धर्मियों का त्यौहार जरूर है लेकिन इसमें सीखने लायक बहुत है। दूसरी बात यह है कि मैं तो 2009 में आया तो यहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं थे। कोई भी किधर भी काटता था, कुछ भी होता था, कोई उनकी तलाश नहीं होती थी, जिसको बोलते मेडिकल उनकी तलाश होनी चाहिए। हमने 2010 से पहले 7 स्लॉटर हाउसेस दिए थे। बॉम्बे कॉलोनी में एक दिया था, फिर मुमरा इंग्लिश स्कूल के नज़दीक एक दिया था। ऐसे करते करते 7 स्लॉटर हाउस बनाए थे, आज उसकी संख्या 13 हो गई है और सब स्लॉटर हाउस गवर्नमेंट से मंजूर करके आए हैं। तो जो मैं बोलता था कि मुमरा कैसे बदला, तो मुमरा में आज थाने की सबसे बड़ी बकरा मंडी है। मेरे ख्याल से किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि मुमरा में करोड़ों का व्यवहार होगा। लोग राजस्थान से आएंगे, लोग महाराष्ट्र के ग्रामीण स्तर से आएंगे, लोग गुजरात से आएंगे, यानी हर जाति का बकरा आज मुमरा में मिल रहा है और लोग खुशी से खरीद रहे हैं। ये खुशी का माहौल बता रहा है कि मुमरा में अमन और शांति है, लोग खुश हैं। महंगाई ज़रूर है लेकिन इन त्यौहारों में महंगाई को देखा भी नहीं जाता, ऐसा मुझे नज़र आता है कि लोग अपनेपन से ये त्यौहार मनाते हैं। तो एक अच्छा काम पिछले 15 साल में हुआ। कुछ लोग स्लॉटर हाउस को लेके मुद्दा बना रहे हैं, मैं इस वक्त कुछ नहीं बात करूँगा। जिनको जितना बोलना है बोलने दो, वक्त पे जवाब दूंगा, वक्त पे जवाब दूंगा।